नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीनदयाल एडिटर यूट्यूब चैनल पर फिर से एकदम नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर आप वीडियोग्राफी सीखना चाहते हैं और आपको एक ऐसे कैमरे की ज़रूरत है जिसके अंदर फोटोग्राफी और आप वीडियोग्राफी दोनों कर सकें, तो गाइस ऐसा कैमरा मिल तो जाता है, लेकिन गाइस दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए कैमरे के अंदर। गाइस आजकल मार्केट में बहुत सारे कैमरे हैं, लेकिन किसी के अंदर फोटोग्राफी अच्छी होती है तो वीडियोग्राफी ख़राब होती है, और वीडियोग्राफी अच्छी होती है तो फोटोग्राफी ख़राब होती है। तो गाइस मैं 50,000 के अंदर, यानी 50,000 के लगभग समथिंग प्राइस के अंदर एक ऐसा कैमरा आपको बताने वाला हूँ जिसको सबसे ज़्यादा यूट्यूबर यूज़ करते हैं, और वो सबके लिए शुरुआत में सबसे बेस्ट कैमरा होता है। लगभग वो कैमरा हर काम कर सकता है, तो गाइस बहुत बेस्ट कैमरा है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, मैं आपको उस कैमरे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसका कंपैरिजन भी एक कैमरे से करने वाला हूँ जो उसी के प्राइस में आता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइज़ हम इस कैमरे के फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इमेज इसकी देख सकते हैं कि इसकी इमेज बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक दे रही है कैमरे की, और बिल्कुल फ्लिप रोटेट इसकी स्क्रीन है, यानी आप सेल्फी वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपका व्लॉग चैनल है तो आपके लिए भी ये कैमरा बिल्कुल बेस्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस इसके अंदर स्क्रीन होती है जिसको हम देखते हैं वो फ्लिप भी हो जाती है, यानी आगे की तरफ भी हो जाती है। आप इसको कैसे भी मतलब घुमा सकते हैं 360 पे, तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर ये फीचर है जो हर किसी यूट्यूबर के लिए होना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम खुद भी इसके कैमरे की सहायता से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब इसकी थोड़ी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाइस इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट साइट पर इसकी प्राइस है 51,499 रुपये, जो बिल्कुल लो प्राइस है। अगर आपको लो प्राइस में कैमरा चाहिए तो आप यहां से बाई कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आपको बिल्कुल मतलब भरोसेमंद साइट जानते होंगे आप अमेज़ोन, उससे बाई करना है तो उस पर इसकी प्राइस है 52,990 रुपये। तो गाइस आप दोनों में से किसी की भी बाई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको बाई करने की लिंक दे दूंगा, आप बाई भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो प्राइस की बात हो चुकी है, फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस है 51,499 रुपये, और अमेज़ोन पर इसकी प्राइस है 52,990 रुपये। तो अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस कैमरे के की फीचर्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है मेगापिक्सल का, कि हमारा कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। तो गाइस ये कैमरा 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि APS-C CMOS सेंसर के साथ मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया सेंसर होता है किसी कैमरे के लिए। और गाइस इसके अंदर डुअल पिक्सल CMOS आफ्टर फोकस भी है। गाइस अगर हम मैनुअल फोकस करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन गाइस इसका आफ्टर फोकस भी बहुत अच्छा है, ये ऑटोमेटिकली किसी के भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस कर लेता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो गाइस इसके अंदर कोई कुल 9 पॉइंट है फोकसिंग के, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और गाइस सबसे बड़ी बात इसके की फीचर्स की, कि इसके अंदर हमें वाईफाई सपोर्ट मिलता है। तो गाइस इससे अच्छा सपोर्ट और क्या हो सकता है। गाइस वाईफाई सपोर्ट का मतलब है आपको किसी भी मेमोरी कार्ड को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ऐप के मदद से वाईफाई ऑन करके इसके जो भी डाटा होगा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन या PC किसी में भी, बस वाईफाई होना ज़रूरी है। और जो सेकेंड इसका फीचर है वो गाइस है 3975 सेलेक्टेबल फोकस पोजीशन लाइव व्यू, यानी आपको 3975 जो फोकस पोजीशन है वो आपको दिखेगी लाइव व्यू के अंदर। इसके अंदर EV-4 फोकसिंग लिमिट है जो बहुत अच्छी है, और आई डिटेक्शन AF है जो भी बहुत अच्छा। तो गाइस कैमरे के बारे में थोड़ी जनरल बातों की बात कर लेते हैं। तो जो ये कंपनी है, ब्रांड है, उसका नाम है कैनन, और जो ये कैमरा है वो डिजिटल SLR है, यानी DSLR कैमरा है, और इसकी जो सीरीज है वो है EOS, यानी ये जो कैमरा है ये EOS सीरीज का मॉडल है, जो कि 200D Mark II है। और जो इसका टाइटल है वो मैंने आपको बता दिया कि कैनन EOS 200D Mark II DSLR कैमरा EF, जो हमें EF 18-55 mm STM लेंस के साथ, किट लेंस के साथ मिलता है।
अगर गाइज हम वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है रेजुलेशन। तो किस किस रेजुलेशन पे हम इस कैमरे का यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस किस रेजुलेशन पे हमें कितने FPS में क्वालिटी मिलेगी। तो गाइज जो इसका फाइल फॉर्मेट है वो है MOV, मोव फॉर्मेट हमें इसके अंदर मिलने वाला है, और जो रेजुलेशन है वो हमें 2K तक मिलने वाला है। जो सबसे कम है वो है VGA, यानी 640x480p, जो कि 480p मिनिमम है, आप ये जानते हैं। इसके बाद हमें मिलेगा 720p, इसके आगे मिलेगा हमें 1080p, और इसके आगे हमें मिलेगा 2K, यानी 2160p। तो गाइस इसके FPS की बात कर लेते हैं। तो गाइस जो इसका FPS है वो 1080p फ्रेम रेट हमें मिलेगी 24, 25, 30 और 60, और 720p पे हमें फ्रेम रेट मिलेगी 25, 30, 60, और हमें VGA फ्रेम रेट मिलेगी 30, जो कि एक ठीक ठाक फ्रेम रेट है, लगभग 60 तक जा रही है, तो गाइस अच्छी ही मान के चलिए आप। और इसके अंदर हमें फ्लैश लगाना पड़ेगा जो हम बिल्ट कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर फ्लैश भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस प्रीव्यूइंग की हम बात करते हैं, यानी प्रीव्यू हम जब किसी फोटो क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमें किस पे दिखेगा। तो गाइस इसके अंदर 3 इंच की एक LED लगी हुई है, उसके अंदर हमें प्रीव्यू दिखेगा। गाइस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जब हमारे मन में आता है कि डाटा का ट्रांसफ़र कैसे होगा, अगर हमारे पास कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो हम मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करें, तो वो सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर वाईफाई अवेलेबल है, HDMI अवेलेबल है, ब्लूटूथ अवेलेबल है, USB अवेलेबल है, यानी सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो गाइस वाईफाई से आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस इसके ISO रेंज की बात की जाए तो इसका ऑटो भी हमें मिलेगा और ISO रेंज हमें मिलेगा 100 से लगभग 51,200, जो कि एक बहुत अच्छा ISO है। यानी हमें इस कैमरे से मतलब डिम लाइट कंडीशन में भी, यानी लाइट कम हो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और इसकी शटर स्पीड हमें 1 सेकंड की मिलेगी, यानी हम 1 सेकंड में 5 फोटो क्लिक कर सकते हैं। और गाइस जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो कैमरे का होता है वारंटी। तो गाइस इसके साथ हमें 2 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी मिलेगी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के नज़रिए से देखा जाए तो ये कैमरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फोटो भी बहुत अच्छी आती है और वीडियो भी बहुत अच्छी हम बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या जाननी हो या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलेंगे फिर से एकदम नए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।